नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ओप्पो F19 प्रो के गेमिंग रिव्यू वीडियो में। हम सबको तो पता ही है, जीवन और मृत्यु है ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन अपने हाथ में है ये ओप्पो F19 प्रो मोबाइल। मीडियाटेक का हीलियो P95 यहाँ पे प्रोसेसर दिया गया है और 8GB का आपको इसमें LPDDR4 X-ray मिलता है। तो इसमें गेमिंग रिव्यू हम करेंगे और भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे टिकटॉक वाले खुद को समझते थे बॉलीवुड के स्टार और पबजी वाले खुद को समझते थे आर्मी के जवान। दोनों का ही यहाँ पे वैन निकल चुका है बैन होने के बाद, लेकिन यहाँ पे हम वैन निकालेंगे ओप्पो F19 प्रो खरीदने वाले यूजर्स का। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, तो 34, 35 के आसपास ही था। यहाँ पे दो बार बोल दिया 34, 35, लेकिन यहाँ पे इसके अराउंड ही रह रहा है। तो यहाँ पे इसमें ग्राफिक सेटिंग वगैरह की बात करेंगे, सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। बस वीडियो कमाल का होने वाला है, आप एंड तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग मेन्यू में, यहाँ पे ग्राफिक चेक करेंगे तो भाई थोड़ी सी निराशा यहाँ पे जरूर हुई। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप 21,490 रुपये दे रहे हो तो बैलेंस मीडियम पे आता है ग्राफिक्स और मैक्सिमम HD ग्राफिक्स हाई फ्रेम रेट तक जाता है। स्मूथ पे सेलेक्ट करते हो तो भी हाई फ्रेम रेट तक जाता है, तो फ्रेम रेट यहाँ पे काफ़ी कम होने वाली है और परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से मिलने वाली है। लेकिन आगे चल के देखते हैं प्रैक्टिकली कितना फ्रेम रेट मिलता है और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो यहाँ पे TDM वगैरह प्ले करेंगे सब कुछ, तो आप बस वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। टीम मैच, लेट्स गो। First point for the red team. Nice shot. Clear. No mercy. Reloading. I need a weapon. Target down. Enemy down. Enemy down! Cover me! Nice shot! Blue team victory. Impressive. तो TDM मैच हो गया पूरा और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फ्रेम रेट काफ़ी ज़्यादा कम था। 30 के आसपास आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट इसका मिलता है, तो बहुत ही कम लगता है अगर आप प्रो प्लेयर हो। ये फ़ोन वैसे हर फीचर्स इसके काफ़ी कमाल के हैं, डिस्प्ले, चार्जिंग, कैमरा वगैरह की बात करें, लेकिन स्पेशली अगर गेमिंग के लिहाज से आप खरीदना चाहते हैं तो अगर प्रो प्लेयर स्टार्टिंग में अगर आप तो सीख रहे हैं तो ये ठीक है, आपको ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन मिलता है। लेकिन गेमिंग के लिहाज से खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेम रेट इसका कम है। आगे चल के रेंगल में भी देखते हैं थोड़ा फ्रेम रेट और उसके बाद फाइनल रिव्यू आपको दे देता हूँ।
तो दोस्तों आ गया टाइम यहाँ पे इसका फाइनल एंड जेन्युइन रिव्यू देने का। FPS यहाँ पे 30 के आसपास रहती है तो बहुत ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं मिलती। F19 Pro Plus इसके साथ आया था उसमें 40 FPS रहता है तो स्मूथ ठीक ठाक लगता है और अच्छा चल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप सा लगेगा। और क्योंकि अगर आप पहले से एक अच्छे स्मार्टफोन में खेल रहे हैं तो आपको यहाँ पे, जैसे मैं Realme X2 Pro में खेल रहा हूँ तो वहाँ पे 60 FPS आता है, यहाँ पे 30 FPS तो दो गुना ज़्यादा स्ट्रगल मुझे लगता है। हालांकि यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ओवरऑल स्मार्टफोन अच्छा है, डिस्प्ले, बैटरी की बात करें, चार्जिंग की बात करें और प्रोसेसर वगैरह की बात करें, सब कुछ अच्छा है इस प्राइस रेंज में, लेकिन प्रो गेमर्स के लिए उतना अच्छा नहीं बोल सकते। अगर आप बिगनिंग से गेमिंग करना सीख रहे हैं तो ये जरूर ले सकते हैं, ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।